प्राचीन श्री काली माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब जल्द ही पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है। मंदिर की पार्किंग के निर्माण के लिए त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर की ओर से क्षेत्र के समाज सेवी व ब्राह्मण सभा के प्रधान संतराम शर्मा द्वारा आज माता कालिका जी मंदिर के नाम 11 बीघे जमीन की रजिस्ट्री करवा बोर्ड के अधिकारियों को सौंप दी गई है। जमीन की रजिस्ट्री करवाने पहुंचे संत राम शर्मा ने बताया कि पिछले काफी समय से मंदिर में चली आ रही पार्किंग की समस्या को देखते हुए उन्होंने त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर के संस्थापक गुरुजी अमरदास से मंदिर पार्किंग निर्माण के लिए जमीन देने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को गुरु अमरदास जी ने उन्हें जमीन का मुख्तियारनामा देकर जमीन माता कालिका जी मंदिर के नाम करवाने की आज्ञा प्रदान की थी, जो कि उन्होंने करवा दी। शर्मा ने कहा कि अब जल्द ही बोर्ड को पार्किंग का काम शुरू करवा देना चाहिए। आप सभी कालका क्षेत्रवासियों को पता है कि यहाँ 10-15 साल से पार्किंग की काफ़ी समस्या आ रही है, नवरात्रों में खास करके ज़्यादा आती है। तो उसी सिलसिले में कालका शहर के और पंजौर के लोगों की ये इच्छा थी कि भी कोई पार्किंग बने यहाँ, और ये 4-5 साल से जो है श्राइन बोर्ड बहुत कोशिश कर रहा था, बड़े प्रयास भी हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने जो है पीछे जो मंदिर है बालाजी मंदिर, उनके संस्थापक हैं गुरु अमरदास जी, उनके पास ये जगह थी तो हमने उनसे प्रार्थना करी। तो ये उन्होंने हमारी प्रार्थना को और कालका क्षेत्र के वासियों की प्रार्थना को मानते हुए ये जो है 11 बीघे जगह गुरु अमरदास जी ने दान करी है, और मैं उस सिलसिले में मेरे को उन्होंने पावर दी थी। आज मैंने जो है सीओ साहब हैं श्राइन बोर्ड माता मनसा देवी जी के, और सेक्रेटरी साहब हैं कालका से, इनके हाथों में ये सौंप दी है कि ये शीघ्र से शीघ्र इस पर जो है पार्किंग का काम शुरू कराएंगे। तो आज पार्किंग के लिए जगह दी गई है, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि हमें इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे इसको हम शुरू करवाएंगे। इसमें जो भी एक क्योंकि सरकारी निर्धारित प्रक्रिया है, कुछ काम जो भी करने हैं उनको सबको अडोप्ट करके और प्रायोरिटी बेस के ऊपर इसको हम काम करें। आप अगले की नवरात्रों की हम जो करें हमारी तरफ से कोशिश इसकी प्रायोरिटी पे होगी, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब पुल का भी बनना है, पार्किंग का भी निर्माण होना है, लेकिन सरकार की इसके ऊपर सबसे बड़ी प्रायोरिटी बेसिकली जो जगह आई है ये इसमें हमें पहले तो पार्किंग के लिए है मेन। तो पार्किंग के साथ साथ अगर और भी कोई मंदिर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर तो सभी का, क्योंकि हर चीज़ को ना देख के पहले क्या प्रायोरिटी है, फिर प्रायोरिटी फिक्स करके सारी जनहित की ही चीजें बनेंगी जो श्रद्धालुओं के काम आएंगी। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सीईओ YS गुप्ता ने कहा कि हमें जमीन की रजिस्ट्री मिल गई है, जल्द ही जमीन पर पार्किंग का काम शुरू करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस जमीन पर पार्किंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद श्रद्धालुओं व जनहित के लिए जो भी जरूरी होगा उसके निर्माण पर भी विचार किया जाएगा। लोकहित एक्सप्रेस के लिए कालका से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।